तो दोस्तों यदि आप भी फेसबुक पे वीडियो अपलोड करने जाते हो और वहां पे आपको एरर ऑप्शन करके आ जाता है, वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना। यहाँ पे देख सकते हो हमारे में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, हम वीडियो अपलोड करने जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आपको एरर अपलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, मतलब वीडियो अपलोड नहीं होता है, कुछ देर समय लेता है, उसके बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, मतलब अपलोड एरर वाला ऑप्शन आ जाता है। तो यदि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, और ऐसे ही और वीडियो के लिए और फेसबुक की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो जैसे कि हमारे में अपलोड एरर का ऑप्शन आ रहा है, हम वीडियो अपलोड करने जाते हैं तो वहां पे वीडियो अपलोड नहीं होता है, मतलब कि कुछ समय टाइम लेता है, उसके बाद अपने आप वो कट जाता है। फिर हम जब फेसबुक को ओपन करते हैं तो यहां पे आपको एक अपलोड एरर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहां पे देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है अपलोड एरर। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपको पूरा वीडियो में बताने वाला हूं, वीडियो को बस आपको एंड तक देखना है। तो दोस्तों इसका जो है हम आपको तीन प्रोसेस बताने वाले हैं, जिसमें थर्ड प्रोसेस से तो आपका 100% सॉल्व हो ही जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस आपको क्या करना है, यहां पे आपको एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहां पे देख सकते हैं एरो वाला ऑप्शन है, आपको सिंपली एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद यहां पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट डिस्कार्ड पोस्ट का और सेकंड में रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का। तो जब डिस्कार्ड पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपका जो वो ऑप्शन है वो भी डिलीट हो जाएगा, तो उस पे आपको नहीं क्लिक करना है, आपको सिंपली रिपोर्ट अ प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, तो यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंक्लूड, आपको सिंपली क्या करना है इंक्लूड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन यहां पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था ना उसका स्क्रीनशॉट यहां पे ऑटोमेटिक ही अपलोड हो जाता है। यहां पे आपको डिस्क्राइब द इशू वाले ऑप्शन पे अपना इशू लिखना है, जो आपको क्या इशू आ रहा है। तो आप वीडियो अपलोड करने जाती हो तो आपका वीडियो अपलोड नहीं होता है, वहां पे अपलोड एरर वाला ऑप्शन आ जाता है, तो इसी को डिस्क्राइब करके आपको यहां पे लिखना है। तो इसमें आपको क्या चीज लिखना है हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो हमने पहले से यहां पे लिख के रखा हुआ है इसको, इसका जो स्क्रीनशॉट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप कमेंट करेगा तो हम कमेंट बॉक्स में भी इसको लिख देंगे। तो हम यहां से आपको पढ़ के बता देते हैं जो हमने क्या लिखा है। तो देखिए हमने लिखा है हेलो फेसबुक टीम, व्हेन आई अपलोड वीडियो ऑन माय फेसबुक प्रोफाइल, यदि आपका पेज हो तो प्रोफाइल को काट के आपको पेज कर लेना है, द वीडियो इज नॉट अपलोडेड बट अपलोड एरर इज रिटन, मतलब जब हम फेसबुक पे वीडियो अपलोड करने जाते हैं तो वहां पे हमारा वीडियो जो है अपलोड नहीं होता है, वहां पे लिखा के आ जाता है अपलोड एरर, दिस प्रॉब्लम हैज बीन कमिंग सिंस द टाइम आई अपलोड द फर्स्ट वीडियो ऑन माय फेसबुक प्रोफाइल। तो ये प्रॉब्लम हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे तब से आ रहा है जब हम फर्स्ट वीडियो उस पे अपलोड करने गए, सो प्लीज रिव्यू द प्रॉब्लम एंड रिसॉल्व माय इशू एज सून एज पॉसिबल, सो जल्द से जल्द हमारे इस प्रॉब्लम को ठीक कर दे। और उसके बाद यहां पे यदि आपका फेसबुक प्रोफाइल है तो प्रोफाइल का लिंक दान लगा देना है, यदि फेसबुक का पेज है तो आपको पेज का लिंक लगा लेना है। इसको लगाने के बाद आपको इसको वहां पे लिख देना है, तो चलिए वहां पे लिख देते हैं। हमने यहां पे आपको इसलिए समझाया क्योंकि अगर हम वहां पे इसको लिखेंगे तो वो आपको नहीं दिखाई देगा, तो सबसे पहले हम यहां से कॉपी करके उसको वहां पे पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो हमने जो है डिस्क्राइब द इशू वाले ऑप्शन पे अपने इशू को यहां पे लिख दिया, आपको देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों ये जो इशू है ना इसको आपको अच्छे से जैसे हमने यहां पे बताया वैसे ही आपको डिस्क्राइब करना है, क्योंकि यदि यहां पे आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा, यहां पे आपको अच्छे से लिखना पड़ता है, तो इसलिए हमने आपको अच्छे से लिख के बता दिया। देन आपको क्या करना है, यहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा साइड में एरो वाला, सिंपली आपको एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद हमारा जो रिपोर्ट है वो फेसबुक के पास जाएगा, फेसबुक चेक करेगा जो हमारे फेसबुक पेज पे या प्रोफाइल पे क्या दिक्कत है जिसके वजह से हमारा वीडियो जो है अपलोड नहीं हो रहा है, यहां पे अपलोड एरर वाला ऑप्शन आ जा रहा है। देन इतना करने के बाद आपको जो है 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन आपको वेट कर लेना है, यदि फिर भी आपका फेसबुक पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यदि आपने अपने प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में बदला है तो ये जल्द ठीक हो जाएगा, यदि आपका पेज है तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, यदि आपका प्रोफाइल है तो आपको उसके बाद क्या करना है, यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड, तो आपको क्या करना है अपने प्रोफेशनल मोड को एक बार ऑफ कर देना है, देन ऑफ करने के बाद फिर से ऑन करना है, उसके बाद आपको वीडियो अपलोड करना है, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। यदि इस दोनों प्रोसेस से भी आपका वीडियो सॉल्व नहीं हो रहा है तो अब आपको क्या करना है, आपको अपना फेसबुक जो है बंद कर लेना है, देन बंद करने के बाद अपने फोन का सेटिंग आपको ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, एप्स वाले ऑप्शन पे जाना है, यहां पे देख सकते हैं एप्स वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आप जब भी अपने फोन के सेटिंग में जाएगा तो वहां पे आपको एप्स का ऑप्शन मिलेगा, एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन वहां पे क्लिक करने के बाद आपको मैनेज एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, तो यहां पे आपको क्या करना है, सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है। देन यहां पे आपको सर्च कर लेना है फेसबुक, फेसबुक सर्च करने के बाद आपको यहां पे इस फेसबुक वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहां पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहां पे देखिए स्टोरेज का ऑप्शन बना हुआ है, तो आपको क्या
क्या करना है, सिंपली स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्लियर डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से पहले क्लियर कैच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। तो दोस्तों हमारे फेसबुक का कैच जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। एक चीज आपको बता दी, जो इससे आपके फेसबुक पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका फॉलोअर नहीं कम होगा, नहीं आपका पहले वाला वीडियोज वगैरह डिलीट होगा, कुछ नहीं होगा, बस आपका फेसबुक जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। तो उसको आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो आपको ये कैच क्लियर करके एक बार वीडियो अपलोड करके देखना है। यदि आपका वीडियो अपलोड हो जाता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं अपलोड हो रहा है तो फिर से आपको यहां पे आना है। देन उसके बाद आपको यूजेज डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहां पे क्लियर डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने डाटा को भी क्लियर कर देना है। इसको क्लियर करने के बाद आपका फेसबुक लॉग आउट हो जाएगा। देन उसको लॉग इन कर लेना है। एक बार हम फिर से बता देते हैं, जो क्लियर डाटा और क्लियर कैच करने के बाद आपका न ही फॉलोअर कम होता है, न ही फॉलोइंग कुछ नहीं कम होगा, आपका पहले वाला वीडियो भी अपलोडेड रहेगा, सिर्फ आपका प्रोफाइल होगा या पेज होगा जो भी वो लॉग आउट हो जाएगा। तो उसको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। जैसे कि हम आपको यहां पे दिखा देते हैं, हमने सभी को क्लियर कर दिया। देन हम अपने फेसबुक को फिर से ओपन कर लेते हैं। देन ओपन करने के बाद देख सकते हैं ये यहां पे थोड़ा सा समय ले रहा है ओपन होने में। तो देख सकते हैं हमारा फेसबुक लॉग आउट हो चुका है। तो जिस आईडी को हमें लॉग इन करना है ना, जैसे कि इस आईडी पे प्रॉब्लम आ रहा था, तो हम इस आईडी पे क्लिक करके इसको लॉग इन कर लेते हैं। यहां से लॉग इन करने के बाद हमारा जो भी फॉलोअर रहेगा वो सेम ही रहता है, हमारे फेसबुक पे जो भी यहां पे पोस्ट रहेगा वो भी सेम ही रहेगा, वो सब डिलीट नहीं होता। देन देख सकते हैं ओपन हो चुका है। अब आपको वीडियो अपलोड करना है, 100% आपका जो है वीडियो अपलोड होगा। इन तीनों ट्रिक को आपको अप्लाई करना है, इन तीनों में से किसी भी एक से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, या नहीं सॉल्व होता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम का आईडी जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसे ही और जानकारी के लिए फेसबुक से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड या कोई सा भी टॉपिक हो, आप वीडियो पे कमेंट करेगा उससे रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा आप कमेंट करेगा उसी से रिलेटेड हम वीडियोस बनाएंगे। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है अगर वीडियो से हेल्प मिले तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।